हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है डी एंड सी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, इंस्ट्रूमेंट विद नेम एंड यूजेस। हम इस वीडियो के अंदर इंस्ट्रूमेंट एंड नेम एंड यूजेस पढ़ेंगे डी एंड सी के, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिम्स स्पेक्यूलम। सिम्स स्पेक्यूलम को हम डबल ब्लेडेड स्पेक्यूलम भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? रिट्रैक्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, पोस्टीरियर और एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करना एंड विजुलाइज सर्विक्स, और सर्विक्स को विजुलाइज करना। यह है सेकेंड नंबर सिम्स स्पेक्यूलम जो लार्ज साइज होता है, एंड यह है वन नंबर सिम्स स्पेक्यूलम जो स्मॉल साइज होता है। एंड इसका फंक्शन एग्जामिन विजाइना एंड सर्विक्स, सर्विक्स और विजाइना को एग्जामिन करना। देख सकते हैं आप फर्स्ट नंबर एंड यह है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर लार्ज इन साइज एंड फर्स्ट नंबर स्मॉल इन साइज, सिम्स स्पेक्यूलम डबल ब्लेडेड। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। सिम्स वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का फंक्शन होता है विजुलाइज सर्विक्स, सर्विक्स को विजुलाइज करना। यूज टू रिट्रैक्ट द वेजाइनल वॉल टू एक्सपोज द सर्विक्स, वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करके सर्विक्स को एक्सपोज करना ताकि सर्विक्स इजिली विजुलाइज हो सके, वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप या स्पंज होल्डर। इसका फंक्शन है क्लीनिंग द स्किन विद स्वैब डिप्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर स्वैब या गॉज पीस को डिप करके क्लीन करना। नेक्स्ट है वॉर्सेलम फोर्सेप। वॉर्सेलम फोर्सेप का यूज होता है ग्रास्पिंग द सर्विक्स, सर्विक्स को ग्रास्प करना। यूजुअल एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स, यूजुअली एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करके रखना या ग्रास्प करना। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड का फंक्शन होता है मेजर यूट्राइन लेंथ, यूट्राइन लेंथ को मेजर करना एंड पोजीशन ऑफ यूट्रस और यूट्रस की पोजीशन को देखना। इसके अंदर नंबरिंग दी गई है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यूट्राइन साउंड, उसने कितनी लेंथ मेजर की है, कितनी लेंथ का है यूट्रस। इसके अंदर नंबर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक नंबर होते हैं और 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है ताकि हमें पता चल सके कि यूट्रस कितनी लेंथ का है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओवम फोर्सेप। देख सकते हैं ओवम होल्डिंग फोर्सेप। ओवम होल्डिंग फोर्सेप का यूज होता है रिमूव पीओसी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को रिमूव करना। ये स्मॉल साइज का ओवम होल्डिंग फोर्सेप है ताकि क्या हो सके, जो भी पीओसी है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन उसको इजीली ग्रास्प करके बाहर निकाला जा सके। ये लार्ज इन साइज है, आप इसका साइज देख सकते हैं। ये ओपन किया है देन इसके अंदर पोर्स बने हुए हैं, तो ये लार्ज इन साइज है। ओवम होल्डिंग फोर्सेप लार्ज साइज एंड ओवम होल्डिंग फोर्सेप स्मॉल साइज। ये स्मॉल साइज का है, आगे जो इसका पोर्शन है वो स्मॉल साइज है एंड जो नेक्स्ट है वो है लार्ज, लार्ज साइज ओवम होल्डिंग फोर्सेप। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यूट्राइन क्यूरेट। यूट्राइन क्यूरेट का यूज होता है स्क्रैपिंग एंडोमेट्रियल कैविटी, एंडोमेट्रियल कैविटी को स्क्रैप करना एंड बोथ द ब्लंट, ये ब्लंट दोनों साइज से हो सकते हैं एंड बोथ आर शार्प, और दोनों साइड से शार्प भी हो सकते हैं एंड वन ब्लंट और वन शार्प साइड भी हो सकती है। देख सकते हैं आप इसके अंदर एक ब्लंट है एंड देन दूसरी साइड क्या है, शार्प है। ये स्मॉल साइज, देन ये लार्ज साइज है, ये शार्प है, देन नेक्स्ट है ब्लंट इन साइज। यूट्राइन क्यूरेट स्क्रैपिंग एंडोमेट्रियल कैविटी टू ऑब्टेन सैंपल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप का यूज होता है होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग, होल्ड करके रखना और ग्रास्प करके रखना। डीएनसी के लिए कभी कभी हम एलिस फोर्सेप का यूज भी कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको डीएनसी इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है प्लेन फोर्सेप। प्लेन फोर्सेप का यूज होता है ग्रास्प एंड होल्डिंग टिश्यू, ग्रास्प करना और टिश्यू को होल्ड करना। जो भी हमारा सैंपल होगा उससे हम इसको ग्रास्प करेंगे एंड हिस्टोपैथ के लिए सेंड भेज देंगे। नेक्स्ट है हैगर्स डायलेटर्स। हैगर डायलेटर का यूज होता है डायलेट द सर्विक्स, सर्विक्स को
डायलेट करना। आप देख सकते हैं ये बहुत स्मॉल साइज का है, देन इसके साइज क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। हैगर्स डायलेटर डायलेट द इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स को डायलेट करेगा। इन केस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर सक्शन एंड इवैक्यूएशन, अगर सक्शन और इवैक्यूएशन की नीड होगी तो हम इससे क्या करेंगे, सर्विक्स को डायलेट करेंगे ताकि हमारा सक्शन इजीली सर्विक्स के अंदर इंसर्ट हो सके। एंड डबल एंडेड मेटल डायलेटर, और ये डबल एंडेड मेटल डायलेटर्स रहते हैं। हैगर्स डायलेटर के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, जो फर्स्ट साइज बहुत ज्यादा स्मॉल साइज, इसके ऊपर हम जेली लगाते हैं एंड सर्विक्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि सर्विक्स क्या हो, डायलेट हो जाए। पहले हम स्टार्टिंग में इनिशियली हम क्या करेंगे, स्मॉल साइज से यूज करेंगे डायलेट करना, देन फिर हम बढ़ते चले जाएंगे। जैसा हैगर डायलेटर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डायलेटर्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे ताकि सर्विक्स क्या हो, इजीली डायलेट हो सके और हमारा सक्शन जा सके। नेक्स्ट है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे यूज की जाती है स्टोर वेट्स, वेस्ट को स्टोर करने के लिए हम किडनी ट्रे का यूज करते हैं। देन उसके बाद है बाउल। बाउल यूज करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के लिए लाइक बीटाडीन, और क्लीनिंग के पर्पस के लिए हम बाउल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं डीएनसी के लिए यूज करे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट, हैगर्स डायलेटर, प्लेन फोर्सेप, यूट्राइन क्यूरेट। नेक्स्ट है ओवम फोर्सेप, ताकि पीओसी को हम कलेक्ट कर सकें या रिमूव कर सकें। देन उसके बाद है स्मॉल साइज, देन उसके बाद है यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड यूट्रस को मेजर करने के लिए, साइज को मेजर करने के लिए। वॉर्सेलम फोर्सेप, ग्रास्पिंग द सर्विक्स, सर्विक्स को ग्रास्प करने के लिए। नेक्स्ट है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, क्लीनिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट है एलिस फोर्सेप, होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग के लिए इसका यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिम्स वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर विजुलाइज वेजाइना एंड रिट्रैक्ट द वेजाइनल वॉल। नेक्स्ट है सिम्स स्पेक्यूलम, डबल ब्लेडेड स्पेक्यूलम, लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज, लार्ज साइज एंड ये स्मॉल साइज। ये सारे इंस्ट्रूमेंट डीएनसी में यूज करे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।